तो यहाँ पे पूरियाँ रेडी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे भाई साहब फ्राई कर रहे हैं पूरी। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, एकदम ठीक ठाक होंगे। हम भी आपकी दुआ से बढ़िया। तो टाइम हो रहा है सुबह के 7। तो आज हमारा कुछ मूड सा बना है, दिल किया है गाड़ी निकाले। तो इरफान भी अभी गया, पता नहीं कहीं वहाँ गया, राशिद भैया बुलाने, हमने से तो उसको भी साथ लेके चलेंगे। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छे से हमने ले आया गाड़ी यहाँ पे। मुझे लगा था थोड़ा बहुत टाइम से चलाएं, लगभग आज 1.5-2 महीने बाद निकाली है गाड़ी। तो अभी हम यहाँ पे लाए थे, तो भाई पानी मारा है, गाड़ी बहुत गंदी हो गई थी यार, घर के बाहर लगाए लगाए धूल पड़ पड़ के ना बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो इसलिए हम आराम से ले गए यहाँ पे। तो बस कुछ टाइम में यहाँ से वापस निकलेंगे, गाड़ी धो लेते हैं फिर। और आज इफ्तारी भी राशिद भी और उनकी है, तो देखते हैं बाकी सीन दिन को क्या होगा क्या नहीं, दिन को मिलेंगे। ठीक है चलो। देखो काम वाले बंदे कितना ओपी काम कर रहे हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं। और पापा जी भी आए हैं। तो भैया सफाई अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है? काम ये टपलाऊ मत करना, ओके? 500 रुपया दे देंगे भैया, काम बस बढ़िया होना चाहिए। मतलब हमें काम से, पैसे से मतलब नहीं है। तो बस गाड़ी धो ली, बस अब निकलते हैं यहाँ से। और यहाँ से इरफान भी लेके जाएगा, वहां से मैं लेके आया था ना काम, यहाँ से ले जाने का इरफान लेके आया। पापा देखेंगे उसको जांच भूल गई है या फिर है थोड़ी बहुत ही आती है कि नहीं। तो पापा जी मैंने गाड़ी कैसे चलाई है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा चलाई है। सही चलाई ना? मस्त 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 चलाई। ओ भाई भाई भाई, बहुत ज्यादा दूर हो गई है इस गाड़ी पे। तो मक्खन बन चुकी है गाड़ी एकदम। तो अब चलते हैं हम सीधा घर पे, ठीक है? वहाँ हमको सीधा घर पे मिलेंगे ना। much later. तो अभी हम ये धन्नो लेके जा रहे हैं, हमें कुछ काम है मार्केट, वही इफ्तियारी के रिलेटेड ही काम है, कुछ सामान लाना, तो वहीं जा रहे हैं। आजा जल्दी। तो अब मसला कुछ ऐसा है, हमारे भाई बोल रहे हैं कि हमने देना पूड़ी चने और मीट, बाकी सबने लवाज दिए थे, इसने कहा थोड़ा अलग करते हैं। सीन इसका ऐसा था, कोल्ड ड्रिंक भी लाना चाहता था, हमने मना कर दिया। मैं कोई कोई पानी पीता है, कोई कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं यार। तो अब हम पूड़ी बनेगी लगभग 500 से 600। तो अभी वो आटा वाटा गूंद रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, तो जब मेकिंग होगी तो बताएंगे आपको, ठीक है? Much later. So, दोस्तों अभी हम जा रहे हैं बाजार। तो इफ्तियारी को वो टाइम है, सिर्फ सारा कुछ बन गया, बस इसके घर पे थोड़ा सा ही काम रह गया। हाँ कहाँ जा रहा है? तो अभी हम आए हैं जूस लेने के लिए। राशिद भाई का प्लान कुछ ऐसा बन रहा है कि ये साथ में जूस देगा इफ्तियारी के टाइम पे। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं मसला। तो ले लिया हमने गावा फ्लेवर सेलेक्ट किया, तो अब हिसाब लगा रहे हैं, फिर लेके यहाँ से सीधा निकलते हैं, ठीक है? तो अभी हमने यहाँ पे फ्रूट लिया था और वेजिटेबल्स भी ले लिए हैं। भैया पपीता भी डाल दो यार, छोटा वाला भी डालना। इसका कितना हो गया? 60। तो अभी चलते हैं राष्ट्रीय के घर, देखते हैं काम कहाँ पे पहुँचा कहाँ पे नहीं। चलो भाई। तो यहाँ पे पूड़ियाँ रेडी हो चुकी हैं, तो वहाँ से अभी निकल रही हैं। और यहाँ पे भाई साहब फ्राई कर रहे हैं पूड़ियाँ। तो इफ्तियारी का टाइम हो चुका है, लगभग 6 हो गए हैं, 1 घंटा रह गया इफ्तियारी को। तो बस हम निकलने वाले हैं 10 मिनट में यहाँ से मस्जिद में। सामान बहुत ज़्यादा आप उतार सकते हो, ये देखो इतने सारे पतीले हमने यहाँ से ले जाने हैं, हार्ट केस के लिए जाने हैं। तो बाकी वो पूरी हम पूरी रेडी हो चुके हैं, बस निकलते हैं यहाँ से, आपको सीधा हम मिलेंगे मस्जिद में, कर दो। तो आ चुके हैं मस्जिद में, चलते हैं ऊपर, सब कुछ लेके आए हैं, स्कूटी लाई हमने, स्कूटी पर बहुत ज़्यादा सामान आ गया। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं। करो बंद, करो बंद। तो ये बैठी अपनी पूरी टीम, बस काम करते हैं स्टार्ट। मारो कड़छी अच्छे से। हाँ देख सही है, पहले मिला, मिक्स कर। हाँ बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो चलो यहाँ पे काम स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि लगभग 40 मिनट रह गए हैं इफ्तारी को सिर्फ। तो लड़के अच्छे से काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग। तो आप सबको जुमा, फोर्थ जुमा मुबारक हो रही है, अलविदा जुमा। रमज़ान को सिर्फ कुछ ही दिन रह गए हैं, तो इसके बाद रमज़ान का को कोई जुमा नहीं आएगा, इसके बाद सीधा ईद ही आएगी। तो अभी चलते हैं जुम्मे की नमाज़ पढ़ने। राशिद भी अभी आ गए हैं, तो इरफान भी है, तो उधर ईदगाह में गया हुआ है नमाज़ पढ़ने, हम यहीं पे जाएंगे। तो पढ़ के फिर मिलते हैं आपसे, ठीक है सर? तो
तो अभी अभी जुम्मा पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग दी एंड। तो आपको व्लॉग कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और प्लीज़ अगर हो पाए 30 से 40 कमेंट्स कर देना वीडियो पे, ठीक है, और 200 व्यूज़ भी करवा देना। ओके चलो।